आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक काफी ट्रेंडिंग टॉपिक की, मुझे रिक्वेस्ट आई, मैंने सोचा इसको कवर करता हूं। टाइम कैप्सूल इन राम मंदिर। आपको पता ही है कि राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को होने वाला है। सियापति रामचंद्र की जय। देखिए आपको बता देता हूं कि मैंने सारे धर्मों पर लेक्चर लिए हैं, तो मैंने जब हिंदुइज्म का लेक्चर लिया था तो मैंने आपको बताया था कि जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, एक भगवान कृष्ण का रास्ता, एक भगवान राम का रास्ता। ठीक है, वो लेक्चर आप जरूर देखिएगा, उसमें मैंने सब कुछ समझाया है। बाकी सारे धर्मों पे, क्रिश्चियनिटी हो गया, जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, सब पे मेरे लेक्चर्स हैं। तो हम आज बात करेंगे कि राम मंदिर में टाइम कैप्सूल रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करें, वहां से आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं राम मंदिर के भूमि पूजन की। आपको पता ही है कि ये 5 अगस्त को होगा, ठीक है, और इस बार दिवाली 5 अगस्त को मनाई जाएगी, क्योंकि जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे दिवाली मन गई थी, ऐसे ही इस बार भी जो भूमि पूजन होगा वहां दिए जलाए जाएंगे, पूरा मतलब एक दिवाली जैसा माहौल होगा। ठीक है, तो 5 अगस्त को भूमि पूजन होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी भी जाएंगे उसमें, ठीक है। लेकिन एक बयान आता है इसी दौरान, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, जिनको यह जिम्मा दिया गया है, उनके मेंबर ने यह बोला कि एक टाइम कैप्सूल रखा जाएगा 2000 फीट नीचे राम मंदिर के अंदर। कामेश्वर चौपाल इनका नाम है और इन्होंने यह बोला, बाकायदा यह बयान था कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी और ये एक लेसन होगा आज के लिए और अपकमिंग जनरेशंस के लिए, टाइम कैप्सूल को हम 2000 फीट नीचे रखेंगे। टाइम कैप्सूल अभी होती क्या है मैं आपको बताऊंगा। और अपनी बात को कामेश्वर चौपाल ने एक्सटेंड करते हुए ये बोला कि तीर्थों से, भारत में जितने भी तीर्थ है वहां से मिट्टियां लाई जाएंगी, पवित्र नदियों से पानी लाया जाएगा और अयोध्या में अभिषेक होगा भूमि पूजन के दौरान। ठीक है, यह कामेश्वर चौपाल का कहना था। अब यह तो ही एक न्यूज, दूसरी न्यूज यह है, तुरंत राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने इस पर रिएक्ट किया। आई एम रियली सॉरी, सेक्रेटरी की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है। चंपत राय ने तुरंत इस पर कल रिएक्ट किया और मीडिया क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया। तो यह दो न्यूज साथ साथ चल रही है। करेंट न्यूज ये है कि चंपत राय ने यह बोला कि कोई भी टाइम कैप्सूल को रखने की हम प्लानिंग अभी नहीं कर रहे हैं और मीडिया को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जब तक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, हमारा कोई ऑफिशियल स्टैंड ना हो, तब तक आप ऐसी खबरें ना चलाएं, र्यूमर से दूर रहें, ठीक है ना। टाइम कैप्सूल रखा जाएगा लेकिन फिलहाल अभी तो नहीं। अब टाइम कैप्सूल किस फॉर्म में रखा जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब टाइम कैप्सूल होता क्या है, हम इस पर थोड़ी नजर डाल लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं दोस्तों कि मैंने अपना टेलीग्राम चैनल फाइनली क्रिएट कर लिया है। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आई, 2000 से ज्यादा मैंने लेक्चर्स लिए हैं। जिसकी भी आपको पीडीएफ चाहिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजे गए, मेरे नाम से कुछ चैनल चल रहे हैं, ठीक है। तो आप सिद्धांत सर, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है, आप इसको ही ज्वाइन करें। जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है तुरंत मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और पीडीएफ भी डाल देता हूँ, तो आपको पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी। ये आपकी अब सिरदर्दी खत्म, बहुत मुझे मैसेज आते हैं पीडीएफ के लिए। तो टाइम कैप्सूल होता क्या है, देखिए दोस्तों, हिस्टोग्राफी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्टोग्राफी पढ़ी होगी, ठीक है। हिस्टोग्राफी क्या है, हम हिस्ट्री कैसे स्टडी कर रहे हैं, हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्या है, सोर्सेस पता होनी चाहिए ना। विदाउट सोर्सेज, जैसे भारत के इतिहास की बात करें तो भारत में बहुत जबरदस्त सोर्सेस हैं, पूरी दुनिया में हिस्टोग्राफी जो है, हिस्ट्री को कैसे स्टडी करना है ये सोर्सेस पे डिपेंड करता है। अब अगर हम आज 2000 साल 3000 साल पहले का इतिहास पता कर पा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि सोर्सेज अवेलेबल हैं। तो हिस्ट्री को प्रिजर्व रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो टाइम कैप्सूल क्या करता है, ये हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन को फ्यूचर जनरेशन के लिए स्टोर करता है। कैसे स्टोर करेगा, मान लीजिए कि कल कोई 500 साल बाद इस हिस्टोरिकल डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करता है। लेकिन आपको भी पता है, जैसे हम पुराने ही जमाने की बात करते हैं, बहुत सारे हिस्टोरिकल डेटा वक्त के साथ खत्म हो गए। तो हमको हिस्टोरिकल डेटा, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, वो ऐसे प्रिजर्व करनी है कि फ्यूचर जनरेशन उसको एक्सेस कर सके। आज से 500 साल बाद भी अगर कोई हिस्ट्री जानना चाहे राम मंदिर की, तो उसको पता हो क्या क्या हुआ था।
आप समझ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह आती है कि इसको रखा कैसे जाए, तो बकायदा इसको एक कैप्सूल में रखा जाता है। इंफॉर्मेशन होती है राम मंदिर की, अगर उसके कंटेक्स्ट में बात करें तो राम मंदिर की पूरी इंफॉर्मेशन होगी कि सब कुछ एक एक हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट में क्या हुआ सारी इंफॉर्मेशन होगी कैप्सूल के फॉर्म में। 2000 फीट या धरती के नीचे उसको रखा जाता है। तो जब आज से बहुत टाइम बाद खुदाई करेंगे आर्कियोलॉजिस्ट, उनको ये कैप्सूल मिलेगा, हिस्ट्री प्रिजर्व रहेगी। ये होता है टाइम कैप्सूल, एक हिस्टियोग्राफी की तरह ये काम करता है, समझ गए? ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें मैसेज क्या होगा। अगर राम मंदिर की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, इस कैप्सूल में अयोध्या के बारे में, भगवान राम के बारे में, प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में सब संस्कृत में लिखा होगा। ठीक है, ये होगा। अब सोर्सेस के हिसाब से देखिए, अभी तो यहां पे इस रिपोर्ट को नकार दिया गया है। ठीक है, जनरल सेक्रेटरी जी ने बोला है कि कोई भी कैप्सूल नहीं रखा जाएगा, लेकिन सोर्सेस के हिसाब से कॉपर प्लेट में, ताम्र पत्र जिसको बोलते हैं, उसमें हम उसमें इंस्क्राइब करने की सोच रहे हैं। ठीक है, अभी इसमें कुछ पक्का नहीं है दोस्तों। ठीक है, सोर्सेस के हिसाब से ये बिल्कुल खबर है कि हां, एक ताम्र पत्र जो है वो बनाया जाएगा और उसको रखा जाएगा। पहले खबर ये थी कि जो टाइम कैप्सूल है, यहां पे कामेश्वर चौपाल का ये कहना था कि मोदी जी आएंगे और उन्हीं के ही हाथों जो है हम टाइम कैप्सूल भी रखवा देंगे। ठीक है, लेकिन अब इस रिपोर्ट को डिनाई किया गया है। हां, ये जरूर सोर्सेस से खबर आ रही है कि बिल्कुल एक ताम्र पत्र होगा, एक कॉपर शीट होगी, जिसमें राम जन्मभूमि के बारे में सब कुछ, हिस्ट्री ऑफ द टेंपल के बारे में भी लिखा होगा। ये बिल्कुल होगा, लेकिन ये 5 अगस्त को नहीं, अभी इसकी कोई डेट नहीं फिक्स की गई है। ठीक है ना, और इसमें हमको कोई बहुत बड़े बड़े सेंटेंस, हिस्ट्री बड़ी कॉम्प्लेक्स, बड़ी लंबी लिखी जाती है, बहुत ही छोटे में हमको मिलता है लिखना है। पहले है ना, जैसे ऋग्वेद में, वेदों में आप देखिए वो सब वर्सेज में है। ठीक है, वर्सेस में आपको जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको वर्सेस में देखने को मिलेगी। इसीलिए बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प, और ये सिर्फ और सिर्फ संस्कृत से ही यहां पे पॉसिबल है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया को एक सेंटेंस में कन्फाइन कर दे, ये पावर है संस्कृत की। ठीक है ना, तो संस्कृत में ये लिखा जाएगा। ठीक है, और टाइम कैप्सूल भूमि पूजन के दिन नहीं प्लेस किया जाएगा। हां, ताम्र पत्र बिल्कुल इसकी खबरें आ रही हैं, ये हम जरूर रखेंगे, लेकिन उसकी भी डेट अभी कोई ऑफिशियल नहीं है, ये आप समझ गए। अब इससे पहले क्या भारत में टाइम कैप्सूल रखी गई है? बिल्कुल रखी गई है, इंदिरा गांधी ने रखवाई थी। ठीक है, लाल किले में इंदिरा गांधी ने रखवाई थी, काल पात्र जिसको बोला गया था। ठीक है, 15 अगस्त 1972 में पॉलिटिकल ऑपोजिशन इसका बहुत हुआ था, मुरारजी देसाई ने भी फिर इस पर एक्शन लिया था, लेकिन यहां पर यह रखवाई गई थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों प्रतिभा पाटिल ने भी टाइम कैप्सूल को रखवाया था। 6 मार्च 2010 में आईआईटी कानपुर में इस टाइम कैप्सूल को फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल, मैंने प्राइम मिनिस्टर सीरीज और प्रेसिडेंट सीरीज इंडिया आफ्टर गांधी ये पूरा मैंने कवर किया है, लेक्चर्स अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा, सारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। तो प्रतिभा पाटिल ने भी टाइम कैप्सूल को रखवाया था। ठीक है ना, उसके बाद गांधीनगर में भी टाइम कैप्सूल को रखवाया गया है ना, और उस समय तो नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, गुजरात में गांधीनगर में महात्मा मंदिर में एक टाइम कैप्सूल को बरी किया गया है। ठीक है, जब 50 साल मंदिर के पूरे हुए महात्मा मंदिर के, 2014 में भी दोस्तों मुंबई में एक टाइम कैप्सूल रखवाया गया जिसको 2062 में खोला जाएगा। ये टाइम कैप्सूल ऐसी ही होती हैं, इसको एक समय के बाद हम खोलते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने भी टाइम कैप्सूल रखवाया है, दुनिया ने भी किया है। ठीक है, तो भारत में टाइम कैप्सूल रखे जा चुके हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा, ये लेटेस्ट न्यूज है दोस्तों, जो ये मतलब मेरा तो व्यू है नहीं, ये जितने मीडिया रिपोर्ट्स को मैंने पढ़ा, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, न्यूज़ 18 की न्यूज़ है, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, ठीक है, कुछ इंटरव्यूज देखे, तो उसके बेसिस पे ये लेक्चर है। अब इस न्यूज़ पे हमारी नजर बनी हुई है, कुछ भी अपडेट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए, सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू सो मच।